हे गाइस, वेलकम बैक टू एजेस ब्लॉग्स। और आप सब मेरा एक नया वीडियो देख रहे हैं आज। आज मैं जा रहा हूँ होंडा बिग विंग लाजपत नगर, और वहाँ पे एक राइड होने वाली है जो कि लाजपत नगर से होगी गुड़गांव, जहाँ पे होंडा का प्लांट है। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमें टाइम दिया गया था 6 बजे का, और मैं अप्रॉक्स 6:10 तक पहुँच गया था वहाँ पे। काफ़ी सारी बाइक्स और राइडर्स पहले से आ चुके थे वहाँ पे, जिनसे मेरा इंट्रैक्शन हुआ। फर्स्ट टाइम इन लोगों से मेरा मिलना हुआ और बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिल करके। सारा लाइन है। अप्रॉक्स 6:30 तक शोरूम ओपन हो गया था, एंड उसके बाद हम लोगों को डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया। हम लोगों ने उसको फिलअप किया, सबमिट किया, एंड उसके बाद राइड हमारी स्टार्ट हुई। लाजपत नगर से हम लोग कुछ दूर आगे गए, तो वहाँ पे कुछ लोगों को पेट्रोल भरवाना था अपने बाइक्स में, तो वहाँ पे हम लोग साइड में रुके। एंड ड्यूरिंग द राइड हमारे पास वीडियो नहीं होगी, बिकॉज उस मेरे पास अभी एक्शन कैमरा नहीं है। जल्दी मैं उसको परचेज करूँगा ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोज़ मिल सकें। पेट्रोल भरवाने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड आगे बढ़ते हैं कहीं कुछ किलोमीटर्स के बाद हम लोग गुड़गांव में एक प्लेस पे, एक स्टॉप पॉइंट था हमारा, जहाँ पे हम रुकते हैं। एंड उसके साथ ही मैं देखता हूँ कि हर ब्रांड, हर कंपनी की जो भी बाइकर्स कम्युनिटी थी वहाँ पे सब लोग इकट्ठा थे, लाइक हीरो, होंडा, रॉयल इनफील्ड, KTM, कावासाकी, हायाबुसा, ए टू जेड। एंड फाइनली वी हैव रीच ड्रीमर्स कैफ़े। आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे इनका कैफ़े है, प्लांट आप बोल सकते हो। एंड अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है यहाँ पे। बाइक को पार्क करने के बाद फिर हम अंदर चले गए, एंड वहाँ हमें बताया गया कि सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग होगी। फ्लैग होस्टिंग एंड नेशनल एंथम के बाद फिर हम सब लोग कैफ़े के अंदर गए, और कैफ़े के अंदर जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देख सकते हो कितना सुंदर कैफ़े इन्होंने बना रखा है। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले मेरी नज़र जाती है V4000cc के एक इंजन पे, जो कि आप पहले इसको देखो। Today we are celebrating 78 years.
फंक्शन एंड होने के बाद मैं इधर स्टोर पे आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ गुडीज़ रखी हैं, टी शर्ट्स रखी हैं। और टी शर्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी, मैंने इसमें से एक परचेज़ की मुझे जो बहुत अच्छी पसंद आ गई काफ़ी ज़्यादा। एंड कॉस्टिंग की बात की जाए, कॉस्टिंग जो थी अप्रॉक्स 999 की थी, सारी जितनी भी टी शर्ट लगी थी सारी 999 की थी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। एंड मैंने ये ग्रीन वाली ली है, आप बताओ कमेंट करके कैसी लग रही मेरे ऊपर। ये जो अभी आप ब्रेकफास्ट देख रहे हो जो हम लोग यहाँ पे गए थे, ये सब कुछ स्पॉन्सर बाय होंडा था, होंडा बिकविंग। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, काफ़ी कुछ हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट में लगाया गया था, इंडियन था, कॉन्टिनेंटल था, जापनीज था, यहाँ पे कॉफ़ी सेक्शन अलग था पूरा का पूरा। आप यहाँ देख सकते हो ये पूरी भीड़ लगी है, पूरी जापनीज़ वाली है, ठीक है। इसी के जस्ट राइट साइड में कॉन्टिनेंटल लगा है और उसके जस्ट राइट साइड में इंडियन लगा है। वो बात अलग है, इंडियन पे, इंडिया वाले काउंटर पे थोड़ी सी कम भीड़ थी। और मैंने भी बिना किसी देरी के मैंने ब्रेकफास्ट उठा लिया, सामने आप देख सकते हो क्या है। अब इस बाइक के बारे में बात करते हैं, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में कैफे के अंदर एंटर करते ही जो सबसे पहले मेरी नज़र जिस पे गई थी। ये इंजन जो आप देख रहे हो चार सिलेंडर का है और वी शेप का, आप देख सकते हो तो V4 बोलते हैं इसको, 1000 cc का ये इंजन है, जो कि इस पूरे कैफ़े में सबसे अट्रैक्टिव यही लगा। अगर इस बाइक का स्पेसिफिकेशन जानना है तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, बहुत ख़तरनाक बाइक है ये। इस बाइक को देखने के बाद बस एक ही डायलॉग याद आता है, बवाल चीज़ है यार, सिस्टम हिला देता है, वही मिर्ज़ापुर वाला डायलॉग। अभी आपने कार्बन फाइबर भी देखा, तो ये बाइक देख के ही मतलब आप समझ सकते हो, जो बाइक एंथुजियास्ट है उसको पता है क्या है ये। अब उससे भी बवाल चीज़ आप ये देखो, जिसको जिसको पता है इसका नाम, इसके बारे में वो कमेंट करके बताना ये कौन सी बाइक है, हालांकि नाम लिखा हुआ है लेकिन फिर भी। और बताओ किसको किसको ये बाइक अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। बाइक सारी देखने के बाद फिर मैं अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ पे जो जो अवेलेबल है, जैसे ये पूल आप देख रहे हो, कुछ लोग खेल रहे थे, मुझे नहीं खेलने आता टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने नहीं खेला, बाकी मैं रिकॉर्डिंग किया। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन से मैप्स हैं, और होंडा का पहले लोगो देखो, सबसे पहले तो लोगो देखो कि पहले क्या था और अब क्या है। तो ये आप जो देख रहे हो 1960 में कैसे लोगो हुआ करते, 2000 में कैसे लोगो हुए, ये जो भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारा रेस ट्रैक का मैप है। और ये देखो ब्रिटिश, जापान, मोटो जीपी, पता नहीं कहाँ कहाँ का, मुझे तो लगा था कि सिर्फ बड़ी बाइक्स इन लोग लगाए हुए हैं शोकेस में, बट मैंने देखा कि यहाँ पे 350 सेगमेंट की भी कुछ बाइक लगी थी, जैसे मेरी वाली बाइक लगी थी। और ये इनका स्टार्टिंग से हर जगह देखने को मिलता है पोस्टर ये वाला। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और मेरे पास बहुत कम समय रहता है ऐसी राइड्स के लिए, बट मैं आज टाइम था, इंडिपेंडेंस डे था, तो मैं कहा बिल्कुल जाऊंगा, आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। और साथ में टी शर्ट कैसी लगी ये कमेंट करके बताना, और हाँ प्राइसिंग वगैरह आपको मैंने सब वीडियो में आपने देखा ही होगा। यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और होंडा का कैसा लगा आपको देख के, जितना भी उन्होंने मैनेजमेंट कर रखा था वहाँ पे ब्रेकफास्ट का और राइडिंग का, कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।